हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की के उद्घोष के साथ सोमवार की रात 12 बजते ही पूरा जनपद गूंज उठा। प्रयागराज के विभिन्न मंदिरों और पूजा पंडालों में भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। आप सब लोग सुने भगवत गीता में भगवान कहते हैं अवतरित क्यों होते हैं, सब लोग प्राय जानते हैं इसको। मध्य रात्रि को भगवान श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही मंदिरों में मौजूद भगवान श्री कृष्ण के भक्त झूम उठे और मंदिर हरे कृष्ण से वातावरण गूंज उठा। हर तरफ नटवर नागर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर हर्ष व उल्लास दिखा। जगह जगह झांकियां सजाई गई थी। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं व रासलीला के साथ ही भजन कीर्तन और भक्ति संध्या का भी आयोजन हुआ। पुलिस लाइन के साथ ही थाना परिसरों में भी भव्य सजावट के साथ आकर्षक सजाई गई। प्रयागराज में मंदिर, सभी थानों, पुलिस चौकियों समेत विभिन्न मंदिरों, सार्वजनिक स्थलों, प्रतिष्ठानों व घरों में जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। देर रात तक लोग एक जगह से दूसरे जगह आते जाते रहे। भजन संध्या व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर नगरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी धार्मिक आयोजन के अलावा जगह जगह मनमोहक झांकियां सजाई गई। प्रमुख मंदिरों व घरों में भी आयोजन हुए। रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद 16 कलाओं से युक्त बाल रूपधारी भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात चंदन, सुगंधित इत्र, पुष्प, वस्त्र आदि के अलंकृत करने के बाद आरती उतारी गई। माखन, मिश्री व धनिया, सौंठ मिश्रित सिंघाड़ा की पंजीरी व फल तथा मेवा का भोग लगाया गया। घंटा, घड़ियाल व शंख ध्वनि से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। पूरा वातावरण कृष्णमय हो गया। प्रयागराज में सुबह से ही मंदिर की सजावट की गई थी। विभिन्न सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन जगह जगह पर किया गया था। प्रतिष्ठानों पर भी कृष्ण के जीवन से संबंधित झांकियां को सजाकर कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर उल्लास रहा।